सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे आप सबको संभाल के रखा है। उसके लिए प्रभु को लाखों लाखों धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस समय मैं बहन स्टेला को निवेदन करूँगा कि वो वचन से पढ़े। आज का वचन है भजन संगीता 136 धन्यवाद का भजन 1 से लेके 5 तक। भजन संगीता 136 1 से लेके 5 तक। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्यकर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर इस वचन को पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। और परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ जैसा आपका वचन कहता है कि आपकी करुणा सदा की है। हाँ परमेश्वर पिता, आपके वचन परमेश्वर पिता हमें शक्ति देते हैं, साहस देते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं आगे की आराधना के लिए आप हम सबके साथ हो लीजिए और हम सबको अपनी आशीष से भर दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना में आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनने दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन। आइए हम अपना पहला गीत गाएंगे, उसने दाकड़ों से तेल उंडेला। उसने दाकड़ों से तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरसो तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही ओके किनारे अदमुआ पड़ा, यही ओके किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरसो तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरसो तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरसो तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही ओके किनारे अदमुआ पड़ा, यही ओके किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखरसो तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। आइए हम अपना पहला गीत गाएंगे, प्रभु का नाम मेरी खुशी है। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। हाँ डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा ही रे वो सब कुछ देता है, यहोवा ही रे
जो सब कुछ देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। वो यहोवा राफा चंगाई देता है, यहोवा राफा चंगाई देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा सांबा जो साथ सदा रहता है, यहोवा सांबा जो साथ सदा रहता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम वो शांति देता है, यहोवा शालोम जो शांति देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। फिर कहेंगे, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा निसी विजय वो देता है, यहोवा निसी विजय वो देता है। डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं मैं स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। फिर एक बार आप सबों को ऑनलाइन आराधना में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं और इस प्रकार हम आराधना प्रभु का कर पा रहे हैं, और परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा, हमारे जरूरतों को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आपके प्रार्थनाओं के लिए, विशेषकर जो कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु को, और अनुरोध करते हैं कि आप लोग कलीसिया के लोगों के लिए, प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों के लिए नियमित रूप से प्रार्थना करते रहें, देश के लिए भी प्रार्थना करते रहें, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने गवर्नर्स हैं, एमपी, एमएलए हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि इस महामारी के दरमियान वो लोग सही रीति से सेवा का काम करें, देश के लिए सही निर्णय लें, ताकि हमारा देश सुदृढ़ रहे। देश के सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते रहें कृपया करके। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो विशेषकर इस समय विशेषकर प्रार्थना कीजिएगा कि हमारा लॉकडाउन खत्म होने वाला है और कलीसिया के रूप में हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं, तो इसके लिए जो तैयारियां हैं वो हम लोग कर सकें, और हम लोग पूरे नियम कानून के अनुसार जो भी है उसके अनुसार हम लोग प्रभु के भवन में आकर एक साथ इकट्ठे होकर आराधना कर पाएंगे, इसके लिए तैयारी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और कलीसिया के जरूरतों के लिए प्रार्थना करें और सेवकाइयों के जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। इस समय बहुत सारे सेवकाइयाँ संघर्ष होकर गुजर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना की विशेष आवश्यकता है। प्रार्थना करें कि
हमारे लोग, हमारे देश के लोग परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के अनुग्रह को जाने और उद्धार को प्राप्त करें। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, आज के तारीख में हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे भाई और बहनों को, हम सबों को तूने सुरक्षित रखा, हमें संभाल के रखा, हमारे परिवार को, ओ प्रभु हमारे जीविका को तूने सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद। आज अब तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे भारतवर्ष के लिए, जहाँ के हम नागरिक हैं, जहाँ तूने हमें पैदा किया, जहाँ परमेश्वर प्रभु तूने हमें रखा। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु कि तू जीते हो सच्चे परमेश्वर के प्रेम, तेरे सामर्थ्य और तेरी महिमा को जाने। और परमेश्वर प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका हृदय सुसमाचार के लिए खुल जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु इस समय कि तेरे राज की स्थापना हो। ओ परमेश्वर प्रभु आज हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए, हमारे गवर्नर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने प्रभु MLA MP हैं, ओ प्रभु न्यायाधीश हैं, उन सबों का तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे देश के लिए प्रभु सही निर्णय लें, सही कदम उठाएं और परमेश्वर अपने काम को अच्छी तरह निभा सकें। अनुग्रह प्रदान कर प्रभु कि हमारे देश सुरक्षित रहे और परमेश्वर प्रभु हमारे हमारे लोगों के जीवन में इस समय जो आर्थिक तंगी आई है, बिजनेस में बिजनेस डाउन हुआ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम लोग फिर एक बार खड़े हो सकें, मजबूत हो सके आर्थिक रीति से परमेश्वर प्रभु। इसके लिए जो भी उचित कदम है परमेश्वर प्रभु वो उठाने के लिए सरकार को और लोगों को सहायता कर। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहनों के लिए, विशेषकर जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनका आमदनी नहीं है प्रभु, उनके लिए हे वा राफा परमेश्वर प्रभु, उनके आर्थिक स्थिति को तू स्पष्ट कर और चंगाई दे। हे वा इरे परमेश्वर, उनके जरूरत को तू पूरा कर। और परमेश्वर प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन का सोता तुझ में हम तृप्त रहें, तुझ में हम आनंदित रहें, तेरी महिमा करते रहे प्रभु। इस समय प्रार्थना करते कलीसियाओं के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं भिन्न भिन्न तरह से, किन्हीं को सताव है, किन्हीं को और कुछ प्रकार की समस्याएं, प्रभु उनकी सहायता कर, उन्हें सशक्त कर और परमेश्वर प्रभु तेरा राज हमारे देश में फैलता जाए। आज हम ये प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु हमारे भाई और बहनों के लिए कि विश्वास में बलवंत रहें, तुझसे लिपटे रहे परमेश्वर प्रभु। और पौलुस की तरह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमारे भारत के कलीसियाओं के विश्वासियों का, ओ प्रभु हमारे कलीसिया के विश्वासियों का प्रेम, ज्ञान और समझ सहित, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि प्रभु हम उत्तम से उत्तम बातों को, भले और उत्तम बातों में फर्क करने को सीखें और उत्तम बातों को चुनना सीखें और हम परमेश्वर मसीह के दिन तक ओ सच्चे बने रहें और ना ठोकर खाएं और ना दूसरों को ठोकर खिलाएं प्रभु। और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में परमेश्वर प्रभु धार्मिकता के फल को उत्पन्न कर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरी महिमा और तेरी स्तुति हमारे जीवन के द्वारा होता रहे। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। आज विशेषकर मांगते प्रभु, लॉकडाउन उठ रहा, हमारे स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं, हमारे चर्च खुलने वाले हैं, इसके लिए जो भी सही कदम जरूरत है प्रभु उसे उठाने के लिए, तैयारी करने के लिए मदद कर। और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई और बहनों के लिए कि परमेश्वर प्रभु तो अपने बेटे ईश्वर के लोगों का बेड़ा लगा के रख प्रभु, तेरे नाम के तले हम आते हैं प्रभु, हमारे प्रियजनों को तू सुरक्षित रख, महामारी से, हर एक बुराई से, हर एक बीमारी से अपने पंखों तले सुरक्षित रख। हे परमेश्वर पिता हमारे कलीसियाओं को आशीष दे, सबल बना और परमेश्वर प्रभु आत्मा में बलवंत कर प्रभु कि हम तेरे राज के लिए और भी आगे बढ़ने पाएं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब वचन सुनने से पहले अपने मन और हृदय को तैयार करें और ये गीत गाएंगे, सजदा करूं, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन केवल यीशु ही है। मार्ग है तू ही, सत्य है तू ही, जीवन है मेरे प्रभु,
तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, 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 तेरा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं।
बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, क्योंकि उस लहू में, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हमें पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती, तूने वो लहू बहाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। आपने हमारी सबकी सहायता मदद की प्रभु, और हाँ प्रभु, जैसे ये गाने के बोल कहते हैं, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने लहू वो हमारे लिए बहाया है प्रभु, और तूने हम सबको अपना लहू बहा के बचाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने उसके बदले प्रभु कभी हमसे कुछ भी ना चाहा और कुछ भी ना मांगा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सिर्फ केवल आपको धन्यवाद दे सकते हैं और कुछ नहीं। और प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं आगे के समय के लिए, जब हम सभी वचन को सुनेंगे, हम सब अपने मन और हृदय को खोल के प्रभु उस वचन को ग्रहण करने वाले हो सके, ताकि हम उसे सुन के प्रभु अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हो सके और अपनी जिंदगी को बदलने वाले हो सके। वो वचन प्रभु आज के इस दिन हम सब से बोले और बात करे प्रभु, वो केवल वचन ना हो परंतु आपकी ओर से एक आशीष का वचन होने पाए हम सभी के लिए। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस महामारी में आपने हम सभी को सही सलामत से रखा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आगे भी हम सभी को इसी रीति से प्रभु संभाले रखिए, ताकि हम आपकी दया और करुणा को प्रभु अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा देखने वाले हो सके। ये छोटी सी प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, उसे सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमेन। मैं आगे का समय पास्टर जी को देना चाहती हूँ। आइए मेरे साथ खोले मलकी के पुस्तक, उसका 2:14। इसलिए क्योंकि एवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और ब्याही स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिसे तूने विश्वासघात किया है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, ये वचन तेरा है, हम सब तेरे हैं। अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत कर। मुझ अयोग्य को तू उपयोग कर प्रभु, अपनी योग्यता जो मसीह में तूने मुझे दिया उसके द्वारा परमेश्वर प्रभु इस समय तू हम सबों से बोले और बातचीत कर। प्रभु तेरी आत्मा हमारी सहायता करे, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आज हम लोग का देखने का विषय है विवाह की वाचा, चौखट की वाचा। विवाह की वाचा, चौखट की वाचा। परमेश्वर इसराइल जाति से जो वाचा बांधा था, उस वाचा को परमेश्वर एक विवाह का वाचा के साथ तुलना करता है। और इसलिए जब आप और हम यिर्मयाह के पुस्तक को पढ़ते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर इसराइल जाति को अपना पत्नी कहता है और अपने आप को उसका पति कहता है। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 31:31 में परमेश्वर यूं कहता है, फिर यहोवा की यह वाणी भी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परमेश्वर बोल रहा कि मैं इसराइल जाति के साथ मिस्र देश में ही वाचा बांधी थी और उन्हें हाथ पकड़कर निकाल ले आया, लेकिन वे मेरे वाचा को तोड़ दिए, मेरे वाचा को तोड़ दिए। उसी प्रकार एजेकेल का पुस्तक 16:8 को हम लोग पढ़ेंगे। एजेकेल का पुस्तक यिर्मयाह के बाद ही आता है, खोलेगा उसका 16:8 को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग इस प्रकार पाते हैं, परमेश्वर कहता है, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। परमेश्वर इसराइल जाति को कहता है कि मैंने तेरे ऊपर अपने वस्त्र को ढांक दिया। एलिया और एलिशा के विषय में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, रूथ और बोआज के बारे में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर ने इसराइल जाति पर अपने चद्दर ओढ़ दिया और उसे सौगंध खाकर उसे वाचा बांधा और इसराइल उसका हो गया। यानी कि विवाह एक
वाचा है। परमेश्वर बोलता है इसराइल जाति से मेरा जो रिश्ता है, वे जो मेरी प्रजा है, मैं जो उनका परमेश्वर हूं, ये रिश्ता को अगर मैं व्यक्त करना चाहता हूं तो मानविक जाति के लिए, मनुष्य के समझ के लिए सबसे प्रगाढ़, सबसे घनिष्ठ, सबसे निकटतम, सबसे पवित्र रिश्ता जो है वह एक पति और एक पत्नी का रिश्ता, जो वाचा में एक साथ जुड़ते हैं, उस वाचा के साथ मैं अपने रिश्ता को इसराइल के साथ प्रकट करना चाहता हूं। और इसीलिए मैं आप लोग के सामने जो रखना चाह रहा हूं कि परमेश्वर कहता है मैं इसराइल का पति था, इसराइल तू मेरी पत्नी हो गई, तू मेरी मेरा अपना हो गया, क्योंकि मैंने तुझे सौगंध खाकर वाचा बांधी। अब इस पृष्ठभूमि में अब मलकी के पुस्तक को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि परमेश्वर वाचा के विषय में कह रहा। और आप लोग के सामने जो बात को मैं रख रहा हूं आज, पहला चीज वो यह है कि विवाह एक वाचा है, विवाह एक एग्रीमेंट नहीं है, विवाह एक सामाजिक प्रथा ही सिर्फ नहीं है, विवाह एक शारीरिक जरूरत ही नहीं है, विवाह एक मानसिक या भावनात्मक आपूर्ति ही नहीं है, वरन विवाह परमेश्वर के नजर में एक वाचा है। नीति वचन का पुस्तक उसका 2:17 को हम लोग पढ़ेंगे तो एक जवान को सावधान करते हुए उपदेशक कहता है कि तू पराई स्त्री से बच, पराई स्त्री से बच, 2:16-17, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी की साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। मेरे प्रियो, यहां पर अगर गौर से अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि विवाह एक वाचा है। जब एक विवाहित पति या पत्नी अपने पति अपने पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं तो परमेश्वर के नजर में एक घोर पाप है, एक घोर पाप है। इसीलिए परमेश्वर इस्राएली जाति जब भी उसे छोड़ किसी और भी देवी या देवता या मूर्ति पूजा या सूरज या चांद या ग्रह या नक्षत्र की पूजा करते थे तो परमेश्वर कहता था हे पापी लोग, हे व्याभिचारी लोग, हे वेश्यागामी लोग, हे कुकर्म करने वाले लोग, तुम लोग मेरे साथ विश्वासघात किए हो। पुराना नियम को बार बार पढ़िएगा, परमेश्वर बोलता है तुमने व्याभिचार किया है। यह है आत्मिक व्याभिचार जिसमें शारीरिक व्याभिचार भी जुड़ा हुआ था, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा और मेरा रिश्ता पति पत्नी की तरह है और ये इस वाच ये रिश्ता वाचा के द्वारा बंधी थी और तूने वाचा को तोड़कर मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने कहा विवाह की वाचा चौखट की वाचा। जब मैं क्या वचन प्रचार करूं इसके बारे में सोच विचार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे मेरे सामने एक किताब को लेकर आया जिस किताब का नाम है थ्रेशहोल्ड कवेनेंट। उसमें जो लेखक हैं H.C. ट्रम्बल, वे बहुत सारे उदाहरण को देते हैं और चौखट की वाचा के बारे में बताते हैं और शुरुआत में एक उदाहरण को देते हैं जिसमें वो बताते हैं सीरिया में और मिस्र देश में उस जमाने में क्या हुआ करती थी और उनके बारे में वर्णन है। और वो ये बताते हैं कि जब कोई परिवार एक सम्मानीय व्यक्ति को अपने घर में स्वागत कर रहा है और वो जितना बड़ा स्वागत, कितना आदरणीय है, उतना ही बड़ा उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। तब वो व्यक्ति जब आ रहा है तो आंगन में है, दरवाजा के बाहर है, चौखट के उसी पार है, तब क्या करेगा, घर का जो स्वामी है एक बकरी लेगा या बैल लेगा या बछिया लेगा या कबूतर लेगा या चिड़िया लेगा, जितना बड़ा आदर के योग्य उसी प्रकार और जितना संपन्न है उसी प्रकार बड़ा प्राणी का बलिदान किया जाएगा। घर का स्वामी क्या करेगा, मेमना को लेगा, उनके पाँव को बांधेगा और उसे चौखट पर रखेगा, दरवाजे के लकड़ी का जो पोस्ट है डोर पोस्ट के ऊपर चौखट के ऊपर रखेगा और अपने बाएं पैर के घुटने से उस प्राणी को दबा के रखेगा और बाएं हाथ से उस प्राणी का, उस मेमना का सर को पकड़ेगा और दाहिने हाथ से उसके गले को काट कर उसका बलि करेगा और उसके खून को चौखट पर बहने देगा और वो उसी दशा में तब तक रहेगा जब तक कि उसके प्राणी का सब खून बहकर चौखट में ना चला जाए। तब जाकर
उस वो हो जाने के बाद में क्या करेगा कि वो जब मेहमान है वो चौखट को लांग कर घर में प्रवेश करेगा, चौखट को लांग कर घर में प्रवेश करेगा, चौखट के ऊपर पांव नहीं रखेगा, चौखट को लांग कर प्रवेश करेगा। और उस दिन से वो व्यक्ति उस परिवार में स्वागत है, वो परिवार का सदस्य है। और अगर वो एक दूसरे से वाचा बांध रहे तो उनका वाचा पक्का होता है। लेकिन ये वाचा जब बांधी जाती है तो उसमें एक प्रार्थना भी सम्मिलित हुआ करता था। और जब ये वाचा बांधी जा रही, खून का सेचन हो रहा, प्राणी का बलिदान किया जा रहा, तो उस समय ये भी प्रार्थना की जाती है, अपने इष्ट देवता या देवी को प्रार्थना की जाती है जिसके नाम पर और जिसको ये बलि किया गया। और उससे ये कहा जाता है प्रार्थना में कि हे हमारे इष्ट देवता, हमारे ये दोनों, हम दोनों के बीच में जो वाचा बांधी जा रही है, इन दोनों वाचाओं को तू पक्का कर दे, तू इसको सुदृढ़ कर दे, तू इसको सुरक्षित रख और इसकी देखभाल कर। अगर ये वाचा तोड़ दी जाती है तो उसका हिसाब तू ही ले, सुरक्षा ही मत प्रदान कर, वरन इसको सजा भी दे और इसे सुरक्षित रख। और इस वाचा को एक दूसरे के साथ जो हम बांध रहे अपने साथ भी बांध। यानी कि चौखट की वाचा जो थी उसमें दो व्यक्ति वाचा के तहत नहीं जुड़ते थे, वरन उनका देवता भी उस वाचा में जुड़ता था और वाचा उस उनका देवता उस वाचा का एक पार्टनर हुआ करता था, एक पार्टनर हुआ करता था। और इस प्रकार से वो लेखक दुनिया के कोने कोने से, अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, रसिया से, सीरिया से, लेबनान से, यर्दन के उस पार के देशों से और भिन्न भिन्न टापुओं से और यहाँ तक कि भारत से भी कई सारे उदाहरणों को लेकर रखते हैं और इस बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि लोग चौखट, चौखट की वाचा उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। चौखट वास्तव में एक वेदी था, चौखट वास्तव में एक वेदी था जहाँ पर बलिदान किया जाता था, जहाँ पर वाचाएं बांधी जाती थी, जहाँ पर रिश्ता जोड़ा जाता था, जहाँ पर लोगों को परिवार में स्वागत किया जाता था। हमारे भारतवर्ष में अभी अभी जो बच्चा खुचा है, हम रिवाज को छोड़ते जा रहे हैं, सब लोग अपने पुराने रिवाजों को छोड़ते छोड़ते आ रहे हैं अभी भी। लेकिन हमारे बीच में कई चीज़ पाया जाता है, सब कुछ मैं आप लोग के सामने नहीं रखूँगा क्योंकि बहुत सार में वहाँ जादू टोना, तंत्र मंत्र वाला बात भी आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन एक चीज़ को आप लोग के सामने रखूँगा, जैसे विवाह के बाद लड़के को जब घर में लेकर आते हैं तो गृह प्रवेश होता है, गृह प्रवेश होता है तो क्या करता है सासु माँ जो रहती है लड़की के सिर में तिलक लगाती है और उसे आशीर्वाद देती है, बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो चौखट के ऊपर चावल से भरा हुआ कलश होता है और उस कलश को लड़की दाहिने पांव से ठुकरा कर उसे गिराती है। उसके बाद उस कलश के आगे में एक थाला रहता है जिसमें जिसमें अलता से भरा हुआ रहता है और वो दुल्हन क्या करती है कि अब वधू क्या कर रही है, दोनों पैर को उस थाले में रखती है जो अलता से भरा हुआ है और अलता से भीगा और लबालब पैर से वो प्रथम बार घर के फर्श पर क्या करती है पाँव को रखती है और जहाँ जहाँ जाती है उसके पैर से उनके पाँव के निशान होते जाते हैं। इसे वो लोग शुद्ध माना जाता है। विवाह तो हो गया लेकिन घर में जब तक ये रस्म को पूरा नहीं किया और चौखट को लांग कर रीति रिवाज के तहत प्रवेश नहीं किया तब तक वो घर का परिवार, स्वागत किया गया परिवार, अपनाया गया परिवार का सदस्य नहीं गिना जाता, परिवार का अपनाया गया सदस्य नहीं किया जाता। और लेकिन बंगाल में थोड़ा से अलग होता है, बंगाल में थोड़ा से अलग होता है। वो क्या करता है सोंखा पोला देते हैं और सोंखा पोला जो होता है आप संघ का बनाया हुआ चूड़ी और उसके साथ साथ लोहा का बनाया हुआ चूड़ी भी देते हैं और उसको आशीर्वाद दिया जाता है और बहुत कुछ किया जाता है। उसके बाद चावल दिया जाता है लड़की को, लड़की बनाती है जिसको बहु भात बोला जाता है ना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चौखट दुनिया में पुराने जमाने से बहुत समय से एक वेदी का काम किया करता था जहाँ बलिदान किया जाता था, बहुत जगह उदाहरण नहीं दे रहे टाइम नहीं है इसलिए, और वहाँ उसके द्वारा लोगों के बीच में संपर्क स्थापन होता था, लोगों के बीच में वाचा बांधी जाती थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विवाह की वाचा भी चौखट की
वाचा की तरह ही है। इसीलिए अगर हम लोग निर्गमन का पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसका 12 का 6 और 7 में इस प्रकार हम लोग पाते हैं। निर्गमन का पुस्तक 12 का 6 और 7 में हम लोग बहुत बार समझते नहीं है क्या है नहीं है, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। और इस महीने के 14 दिन तक उसे रख छोड़ना, उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लोहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों पर और चौखट के सिरे पर लगाएं। परमेश्वर जब इसराइल जाति को मिस्र देश से निकाल लेकर आया तो परमेश्वर ने इस मिस्र के पहलौठों को मारा और मृत्यु का दूत को वहाँ भेजा, लेकिन इसराइलों को कहा कि तुम फसा मनाना, और फसा जब तुम मनाते हो तो एक वर्ष का एक मेमना नर का लेना और उसको बलि करना और उसके खून को चौखटों में लगाना, और जहाँ जहाँ चौखट लगा हो रहेगा वह मृत्यु का दूत प्रवेश नहीं करेगा। और ठीक ऐसा ही हुआ, और परमेश्वर उस दिन उनको निकाल कर लेकर आया। लेकिन आप अगर यिर्मयाह के पुस्तक को पढ़ते हैं तब पाएगा कि परमेश्वर उसी दिन इसराइल जाति के साथ वाचा बांधी, और वचन बोलता है कि वह उसे उन्हें हाथ पकड़कर लेकर आया। 31 अध्याय का 31 और 32 वाक्य यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्या पकड़कर? हाथ पकड़कर परमेश्वर उनको निकाल लाया। ये हाथ पकड़ना क्या है? शादी ब्याह में क्या होता है? लड़का और लड़की शादी ब्याह क्या होता है? लड़का और लड़की क्या करता है? हाथ पकड़कर एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय आइए हम लोग खोलते हैं मलकी का पुस्तक 2 अध्याय का 14 पद। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी के संगनी और ब्याही स्त्री के बीच साक्षी हुआ था जिससे तूने विश्वासघात किया है। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वाचा शब्द दिखाई नहीं देता, अनुवादक लोग वाचा शब्द को यहाँ छोड़ दिए हैं। लेकिन मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था और इब्रानी भाषा में पढ़ रहा था तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इब्रानी भाषा में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो इंग्लिश भाषा में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वहाँ पर वाचा शब्द पाया जाता है और इब्रानी में भी वाचा शब्द पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार, बट यू से व्हाई डज ही नॉट, बिकॉज द लॉर्ड वॉज विटनेस बिटवीन यू एंड द वाइफ ऑफ योर यूथ टू होम यू हैव बीन फेथलेस, दो सी इज योर कंपेनियन एंड योर वाइफ बाय कवेनेंट। क्या बोलता है कि वो कवेनेंट के द्वारा, हाँ, बेरीत के द्वारा, इब्रानी भाषा में वाचा के द्वारा वो तेरी पत्नी हो गई थी। विवाह एक वाचा है। मैं इसका दूसरे अनुवाद में हिंदी में देखने का कोशिश कर रहा था तो मैंने पाया इस प्रकार लिखा हुआ है, जीवन दीप बाइबल ये बोलता है, वचन दीप बाइबल ये बोलता है, तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण यह है कि प्रभु ईश्वर तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था में ब्याही पत्नी के बीच विवाह का साक्षी है। तुमने तो उस धर्म पत्नी के साथ विश्वासघात किया है जिसको अर्धांगनी बनाने के लिए तुमने उसका पाणी ग्रहण किया था। क्या बोलता? अर्धांगनी बनाने के लिए तूने क्या किया था? उसका पाणी ग्रहण किया था, यानी कि तूने उसका हाथ थामा था, तूने उसका हाथ पकड़ा था। इसलिए यिर्मयाह में बोलता है कि मैं हाथ पकड़कर तुझे निकाल ले आया। मेरे प्रियो, इसलिए विवाह के समय में क्या होता है, जैसे कि इजेकेल का पुस्तक के अनुसार लड़का और लड़की, पुरुष और नारी क्या करते हैं? एक दूसरे को सौगंध देते हैं, एक दूसरे को वचन देते हैं, एक दूसरे से शपथ खाते हैं कि जीवन भर वे एक दूसरे की सेवा करेंगे, एक दूसरे को प्रेम करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे बाकी सबको छोड़कर। और वे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? वाचा बांधते हैं हाथ को पकड़कर।
और इसीलिए भाई आप लोग के सामने जो बात मैं रख रहा हूं यह है कि विवाह एक वाचा है, और अगर ये वाचा है तो ये मामूली रिश्ता या एग्रीमेंट नहीं है, ये पवित्र है, ये प्रगाढ़ है और इसमें ईश्वर स्वयं सम्मिलित है। अगर आप पढ़ेंगे तो बोलता है जिस जवानी के ब्याही स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, परमेश्वर बोलता है मैं साक्षी था, यानी कि विवाह जब होता है तो विवाह परमेश्वर की नजर में होता है, विवाह परमेश्वर के निगरानी में होता है और विवाह परमेश्वर के उपस्थिति में होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यानी कि विवाह में पति पत्नी एक साथ मिलते तो जरूर हैं सामाजिक रिश्ते के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, लेकिन वहां परमेश्वर सम्मिलित होता है। और इसीलिए हम लोग को जानने की जरूरत है, जब मैं एक लड़का को ढूंढ रहा हूं, लड़की को ढूंढ रहा हूं, और मैं दो व्यक्तियों का रिश्ता को लेकर आना चाहता हूं ये विवाह के बंधन में, तो पूछने की जरूरत है क्या इस रिश्ते में ये वर के संधान में या वधू के संधान में, हाँ दूल्हा के संधान में या दुल्हन के संधान में परमेश्वर सम्मिलित है, या मैं अपने मन से ढूंढ रहा हूँ और अपने मन जी को पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि इसीलिए सबदेशक का पुस्तक का लिखने वाला बहुत सुंदर रीति से इसको वर्णन करता है, 4:9-12 में, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती, जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। यहाँ एक डोरी लड़का है, एक डोरी लड़की है, हाँ, और तीसरा धागा कौन है? स्वयं परमेश्वर है। जैसे कि चौकट की वाचा में एक पार्टी दूसरा पार्टी और उनका देवता विराजमान रहता है, और देवता भी वाचा में इन दोनों के साथ जुड़ता है ताकि उनकी वाचा की सुरक्षा करे, और अगर वाचा को तोड़ा जाए तो सजा दे। उसी प्रकार परमेश्वर भी एक मसीह विवाह में, एक पारिवारिक विवाह में, पति पत्नी के विवाह में परमेश्वर सम्मिलित रहता है। और इसीलिए पूछने की जरूरत है कि मेरा जो डोरी एक दूसरे के साथ जोड़ा जा रहा विवाह के बंधन में, क्या तीसरा डोरी है? आपने विवाह कर लिया, चाहे कैसा भी विवाह क्यों नहीं किया, सवाल पूछने की जरूरत है, क्या इसमें परमेश्वर विराजमान है? क्या परमेश्वर तीसरा व्यक्ति वहां विराजमान है या नहीं? और आप जो लड़के लड़कियां हैं शादी करने के लिए सोच रहे हैं, आप चाहे आप अपने बेटे बेटियों के लड़की लड़का या लड़की ढूंढने के लिए सोच रहे हैं, क्या इसमें तीसरा धागा, क्या परमेश्वर को आप सम्मिलित कर रहे हैं? क्या उसकी मर्जी को ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसके इच्छा को ढूंढ रहे हैं? क्या उसके 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 मानक के अनुसार विवाह को कर रहे हैं, या सिर्फ शारीरिक जरूरत को पूरा करने के लिए, हाँ घर के सामाजिक जरूरत को पूरा करने के लिए, या मजबूरी में शादी कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है ये वाचा है, विवाह एक वाचा है, और इस वाचा में मैं भी साक्षी हुआ था। अपने शादी और ब्याह में हे लड़का लड़की लोग, परमेश्वर को सम्मिलित करो, क्योंकि आप उसको सम्मिलित करोगे या नहीं करोगे वो उसके नजर में होगा, उसके निगरानी में होगा, और वो उसका साक्षी होगा। और अगर आप विवाह के वाचा को तोड़ेंगे, अगर आप विश्वासघात करेंगे, बेवफाई करेंगे, तो परमेश्वर क्या बोलता है मलकी के पुस्तक में, वो बोलता है कि तुम क्या करो, अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। क्योंकि एक क्या बोलता है, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्मा उसके साथ पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए को परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो। 15:16, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यह कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मैं डिवोर्स से घृणा करता हूं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर बोलता है मैं स्त्री त्याग डिवोर्स से घृणा करता हूं, और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। यानी कि विवाह एक वाचा है, जब एक पति या पत्नी विश्वासघात करता है, बेवफाई करता है, तो परमेश्वर बोल रहा है सावधान, अपने प्राण को जोखिम में ना डालो, अपने आत्मा के बारे में सावधान रहो, क्योंकि मैं भी इसमें सम्मिलित हूं
और मैं ही न्याय करूंगा, मैं ही न्याय करूंगा। इसीलिए पहला कुरिन्थी का पुस्तक में 6 अध्याय में और उसका 16 पद में इस प्रकार कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। मेरे प्रियो, विवाह का बंधन इतना प्रगाढ़ है कि बोलता नहीं कि वे दोनों एक मन होंगे, दो शरीर एक जान नहीं बोलता है, वो बोलता है दोनों एक तन होंगे। वो इतना प्रगाढ़ होगा कि वो दोनों एक तन होंगे। और जब विवाह के बाद पति और पत्नी का मिलन होता है तो वहाँ वाचा का, लोहू का वाचा बनता है, वहाँ प्राण का वाचा बनता है, वहाँ प्राण का गांठ बनता है। और इसीलिए अगर जो किसी दूसरे का संपर्क रखता है, चाहे वो वेश्या ही क्यों ना, उसके साथ भी आपका प्राण का गांठ बनता है। इसीलिए ये बहुत ही गंभीर बात है। इसके इसके इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा इसको हम अभी नहीं समझाएंगे, लेकिन इतना बताना चाहते हैं कि विवाह एक वाचा है जिसे मामूली तौर पर नहीं लेना चाहिए। आज के जमाने में टीवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, एक को शादी किया, दूसरा से चक्कर करने लगा, फिर उससे शादी करना चाहता है, इसको छोड़ दिया। कोई कोई शादी 5 दिन चल, 3 दिन भी नहीं चलता है। परमेश्वर बोलता है मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। मेरे साथ खोले चौखट की वाचा के बारे में देखेंगे, निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 और उसका निर्गमन का पुस्तक उसका 21 अध्याय, निर्गमन का पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 2 से मैं पढ़ रहा हूं। निर्गमन का पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 2 से, जब तुम कोई स्त्री इब्री दास मोल लो, तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, यदि पत्नी सहित आया हो तो पत्नी उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उसने उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हो तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपनी स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, न्यायियों के पास ले चले, फिर उसको क्या करे, घर में लेकर आए और क्या बोलता है, द्वार के किवाड़ पर या बाजू के पास ले जाए, द्वार दरवाजा के पास या उसके चौखट बाजू के पास ले चले और उसके कान को वहां रखे और क्या करे बोलता है, सुतारी से छेद करे, और सुतारी से जब छेद करेगा उसका खून कहां लगेगा, चौखट में लगेगा। चौखट की वाचा जो थी मेरे प्रियो, और उसके चौखट के वाचा के द्वारा वो अपने स्वामी से मिला रहेगा और जीवन भर वो अपनी स्वामी की सेवा करेगा, जीवन भर वो अपनी स्वामी की संपत्ति बना रहेगा, जीवन भर वो उसके आज्ञा को मानेगा, जीवन भर वो उसकी खिदमत करेगा। ये चौखट की वाचा है, ये लोहू की वाचा है। और इस बात को इसराइल जानता था और पैलेस्टाइन देश के लोग जानते थे, अफ्रीका के जानते थे, मिस्र देश के लोग जानते थे, और परमेश्वर इसराइल जाति के साथ मिस्र में चौखट का वाचा बांधा। परमेश्वर चौखट के वाचा को दास और स्वामी के रिश्ते में लेकर आया और कहता है कि इसराइल को मैंने अपना पत्नी बना लिया, उसे अपना घर का घर का मालकी क्या बोलते हैं घर का सदस्य बना लिया, मेरे जीवन का हिस्सा मैंने उसको बना लिया। मेरे साथ खोले मेरे प्रियो, मती रचित समाचार उसका 27 अध्याय, मती उसका 27 अध्याय और उसका 32 पद से हम लोग देखेंगे। 32, बाहर जाते उन्होंने शमौन नामक एक कुरनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले और स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता था उसको कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चककर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। यीशु मसीह जब हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ तो क्या बोलता है कि यीशु मसीह क्रूस के काट पर लटकाया गया, और ये क्रूस का काट परमेश्वर का बेदी था, क्रूस का काट परमेश्वर का बेदी था। इसीलिए
पहला पत्रस 2:24 में कहता है कि वह आप ही काठ पर लटकाया गया, हम लोग का हिंदी में बोलता है वह आप ही क्रूस पर, हाँ, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर काठ पर चढ़ गया ताकि क्या करे, हमारे पापों के लिए मर करके हमें क्या करे, धार्मिकता के लिए जीवन प्रदान करे। या मेरे प्रियो, आपके सामने जो बात को मैं रख रहा हूं कि यीशु मसीह का क्रूस का मरण चौखट की वाचा थी, काठ यीशु मसीह का क्रूस का काठ यीशु मसीह का बेदी था जहां पर उसने लो की वाचा बांधा और चौखट की वाचा बांधा। और ऐसा करने के द्वारा जिस प्रकार मेहमान को घर के अंदर स्वागत किया जाता है, जिस प्रकार एक दुल्हन को घर के अंदर स्वागत किया जाता है, परिवार में स्वागत किया जाता है, उसी प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस के काठ पर लटक कर हमारे लिए खून का बलिदान कर उनके हाथों के किलों से ठोका गया, उनके पाँव को किलों से ठोका गया, उनके शरीर छलनी छलनी कर दिया गया। इन सब के द्वारा उसने क्या किया, हमारे साथ लोहे का चौखट का वाचा बांध कर हमें परमेश्वर के घराने में स्वागत किया। और इसीलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो परमेश्वर का घराना का हो जाता है, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, उसके घर का सदस्य होने का अधिकार दिया। इसीलिए कहता है क्योंकि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोह के द्वारा हुआ। इसमें आप लोग के सामने आज प्रभु भोज हम लोग ले रहे हैं, आप लोग के सामने कई बातों को रख रहे हैं। यीशु मसीह क्रूस में चौखट की वाचा के द्वारा हमें अपने साथ जोड़ने के द्वारा क्या किया, हमें परमेश्वर के घराने में स्वागत किया। और इसमें बलि का मेमना कौन था, स्वयं यीशु मसीह था। और बलिदान करने वाला कौन था, स्वयं परमेश्वर था। और इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, हमारे साथ वाचा बांधा, नई वाचा बांधा। इसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, हमारे साथ लोह का वाचा बांधा। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं विन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। और इसीलिए युना 10:9 में कहता है, भेड़ों का द्वार मैं हूं। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह भेड़ों का द्वार है और उसके द्वारा जो कोई प्रवेश करेगा वो परमेश्वर के साथ नई वाचा में बंधेगा, उसके परिवार का सदस्य होगा। और मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं प्रियो, अगर आप कोई ऐसा है जो परमेश्वर के परिवार का सदस्य नहीं है, आप परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को स्वीकार कीजिए कि वो आपके पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, उसे अपने प्रभु और परमेश्वर के रूप में स्वीकार कीजिए और आप परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ लोह की नई वाचा में जुड़ जाएगा। और जो विवाह की वाचा में है, याद रखिए कि ये वाचा अटल है और ये जीवन भर का है और परमेश्वर इसमें पवित्रता और वफादारी चाहता है। परमेश्वर आप सबों को ऐसा जिंदगी जीने में सहायता करे। विवाह की वाचा, चौखट की वाचा, परमेश्वर आपको इस वाचा के प्रति वफादार बने रहने में सहायता करें। आमीन। आइए इस समय हम लोग अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करें। मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय का 32 से पढ़ रहा हूं। बाहर जाते हुए उन्होंने शमौन नामक एक कुरनी मनुष्य मिला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले उस स्थान पर जो गुलगुत्ता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है। पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है, कि यह यहूदियों का राजा है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस के काठ पर लटकाया गया। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के काठ पर अपने प्राण का बलिदान किया, अपने आप को दोष बलि के रूप में चढ़ाया,
ताकि हमारे पाप और हमारे गुनाह को दूर करे। वो क्रूस के चौखट पर खून को बहाया, उनके हाथ से खून निकल रहे थे क्योंकि हाथों में कीले लगाए गए थे, उनके पैरों पर कीले लगाए गए थे, उनके सर पर कांटों का मुकुट था और सर लहूलुहान था, पीठ को और शरीर को कोड़ों से मारकर छलनी छलनी कर दिया था और वो लहूलुहान था। यीशु मसीह क्रूस के काट पर, क्रूस के चौखट पर हमारे लिए खून को बहाकर हमारे साथ लहू की वाचा, खून की वाचा बांधी, ताकि आप और हम उनके परिवार के, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएं। हम उनके संतान हैं और जब उसके मेज में, उसके क्रूस के बलिदान को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उसके पवित्र मेज में इसमें भागी होने वाले हैं, अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ आपका मनमुटाव है, रिश्ता खराब हो गया है और आपके जिन में अगर कोई और दूसरे प्रकार के पाप है और गुनाह है, तो परमेश्वर के सामने इस समय सरों को झुकाएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे। उसके बेटे, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को धोइए और उस मेज में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सब अपने अपने पापों को कबूल करेंगे परमेश्वर के सामने और क्षमा मांगेंगे और इस समय अपने आप को तैयार करेंगे। पिता, हमारे सारे गुनाह को जो तू इस समय हमारे हृदयों में, हमारे मन में याद दिला रहा, जिसे हम कबूल करें प्रभु, तू क्षमा कर। और उन पापों को भी जिसे हम प्रभु इस समय याद नहीं कर सकते, जिन्हें, जिससे हम अनजान है, जाने अनजाने हमने किए हैं प्रभु, तू हमें क्षमा कर और इस मेज में, इस पवित्र मेज में भाग लेने के योग्य बना। पवित्र परमेश्वर प्रभु, इस मेज के लिए धन्यवाद देते हैं। अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा हमें धोकर, शुद्ध कर, तेरे बेटे यीशु ही के नाम में मांगते, आमीन। इस समय परिवार में जो आत्मिक अगुआ है, आपके बीच में जो आत्मिक अगुआ है, रोटी को अपने हाथ में ले, रोटी को अपने हाथ में ले। इस समय मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, इस समय तेरे चरणों में आते हैं प्रभु और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र को, उनके देह को हमारे लिए बलि पशु के रूप में बलिदान किया प्रभु। हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि जो हम तेरे शत्रु थे, तेरे संतान बन जाएं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। उस देह के लिए जो हमारे लिए बलिदान हुआ, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस रोटी को आशीष कर, इस मेज को जो यीशु नासरी का है परमेश्वर, पवित्र कर और इसे जब ग्रहण करते प्रभु, वो अनुग्रह और आत्मिक आशीष जो है परमेश्वर, इसके साथ हमें प्रदान कर, ताकि तेरे सहभागिता को, वो तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हम और भी घनिष्ठ रूप से अनुभव करने पाएं कि हम कितने तेरे प्रिय हैं, तेरे परिवार के सदस्य हैं। यीशु मसीह के नाम में ऐसा कर प्रभु, आमीन। इस समय परिवार का जो आत्मिक अगुआ है या आपके बीच में जो अगुआ है, आत्मिक अगुआ, इस समय रोटी को विश्वासी भाई बहनों को, बपतिस्मा लिए भाई बहनों को बांट दे और अपने हाथों में रखे, ताकि हम लोग इसे एक साथ ग्रहण कर सकें।
जिस रात यीशु पकड़ाए गए क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए, उस रात अपने शिष्यों के साथ फसा का भोजन खाते हुए उन्होंने रोटी लिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम यीशु मसीह के कुर्बानी को याद करते हुए एक साथ प्रभु के देह को ग्रहण करें। इस समय परिवार में आपके बीच में जो आत्मिक अगुवा है, कटोरे को अपने हाथ में ले। इस समय मैं प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, इस कटोरे के लिए धन्यवाद जो हमारे साथ तूने लहू की वाचा बांधी, उसका प्रतीक है और हमें याद दिलाती है परमेश्वर प्रभु कि लहू की अटल वाचा से, सनातन वाचा से तूने हमें अपने पुत्र पुत्री अपने संतान बना लिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। इस समय दाग के लहू को, दाग के रस को आशीष कर और परमेश्वर प्रभु जब इस मैच में हम भाग लेते हैं प्रभु, तेरे विशेष अनुग्रह और आशीष, तेरी सहभागिता का, तेरे सानिध्य का हम नए सिरे से अनुभव करने पाए, ऐसी आशीष ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। इस समय विश्वासी भाई और बहनों को, बपतिस्मा लिए भाई बहनों को कटोरे को बांट दे। उसी प्रकार यीशु ने कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम यीशु के लहू को, दाग के लहू को धन्यवाद पूर्वक, यीशु मसीह के बहाए हुए सेचित लहू को, लहू के लिए धन्यवाद देते हुए ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस मेज के लिए धन्यवाद जिसमें परमेश्वर प्रभु तूने अपने महती प्रेम को, अपने अटल अधिक प्रेम को हमारे लिए परमेश्वर प्रभु रिश्ते में जोड़ते हुए तूने क्रूस पर प्रकट किया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, अनुग्रह प्रदान करके प्रभु क्रूस के द्वारा जो वाचा में हम बंध गए हैं, उनके सब आशीषों को हम लोग अपने जीवन में अनुभव करते हुए एक आनंदित और एक विजयी जीवन हम जी सकें, तेरे गवाह के रूप में हम जी सकें, ऐसे आशीष ऐसे अनुग्रह तू प्रदान कर। पवित्र पिता, इस समय हमें आशीष दे, क्योंकि प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हम लोग प्रभु भोज के दिन में हमारे कलीसिया में जरूरतमंदों के जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरा भेंट लेते हैं। अगर आप वो देना चाहते तो अपने पास रखेंगे, ताकि जब कलीसिया शुरू होगा, आरंभ हो जाएगा, यहाँ सामूहिक आराधना कर पाएंगे,
भवन में, तब आप लोग लेते आइएगा। आइए हम सब सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और इस समय आशीष का प्रार्थना करेंगे। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सहायता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालो बनी रहे। आमीन। प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु की वाचा में आनंदित रहिए। आमीन।